फ्रेंड्स वेलकम टू एम के भी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेस्टर्न रेलवे में अगर आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल लेटर आया हुआ है, यानी आपको बुलावा पत्र आया हुआ है और आप वेस्टर्न रेलवे में किसी भी डिवीज़न में जो है जाने वाले हैं, तो बेसिक तया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा घंटी को बजाकर यानी बेल आइकॉन को प्रेस करके आल के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। तो यहां पर बोला गया है कि आपको यू हैव टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ले जाना है, यानी आपको खुद को अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, खुद की साइन करके टू कॉपीज आपको पर डॉक्यूमेंट की ले जानी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा जो कि एनेक्सर एच में है। तो डियर फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन दिया गया था, नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी जो है एनेक्सर एच से रिलेटेड है। अगर आपने जो है एनेक्सर एच डाउनलोड नहीं किया हुआ है या आपके पास एनेक्सर एच नहीं है, तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आई बटन पर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सर एच में ही ले जाना होगा जो कि असिस्टेंट सर्जन रैंक से ऊपर वाले डॉक्टर का चलेगा। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आप अटेंड करते हैं, तो डॉक्यूमेंट, पहली बात है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलोंग विथ टू सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ अदर ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। यही ऊपर वाला पॉइंट है कि आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और टू सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको यहाँ पर ले जानी होगी। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ है, उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना होगा। एसएससी टेंथ फॉर इक्विवेलेंट मार्कशीट, यानी टेंथ की मार्कशीट आपको यहां पर ले जानी होगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड टेंथ फॉर इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, यानी यहां आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको टेंथ की मार्कशीट ले जा लेना है या सर्टिफिकेट ले जा लेना है, या फिर आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित की गई हो उसे ले जा सकते हैं। आगे बात करेंगे कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट की। आपको यहाँ पर आईटीआई अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम से किया हुआ है या फिर एनुअल सिस्टम से किया हुआ है, जिस तरह से आपने किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी मार्कशीट ले जानी होगी। आपको एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर ले जाना होगा, जिसमें अंक जो है दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है जो कि एनसीबीटी या फिर एससीबीटी के द्वारा जारी किया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी में आते हैं, एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आपको अलग अलग, जैसे एससी एसटी के कैंडिडेट को एनेक्सर बी ले जाना है, ओबीसी कैंडिडेट को सी और डी, है ना, यहाँ पर यहाँ आपको ले जाना होगा। एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में नोटिफिकेशन में सारा फॉर्मेट दिया गया है, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें सारे एनेक्सर की जो है प्रतियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको स्टैंडर्ड इस फॉर्मेट में नॉन क्रिमिलियर वाला वैलिड जो है करेंट की डेट में 2020-21 की डेट वाला सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके बाद आपको बोला जाता है कि यू आर आल्सो एडवाइज टू अप्लाई फॉर लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है और आपने नॉन क्रिमिलियर से आवेदन किया हुआ है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है ओरिजिनल ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अभी की डेट का बना लें। 21-20 डेट का आपको चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वर्ष 2021-22 का चाहिए होगा आपको। यहाँ बोला गया है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और आर्म्ड फोर्सेस सर्विस सर्टिफिकेट इन केस अप्लाइड अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन, जिन कैंडिडेट्स ने एक्स सर्विसमैन कोटा से फॉर्म को फिल किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर अस्पर एनेक्सर ई एंड एफ, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं, आपने डिसेबिलिटी के तौर पर फॉर्म को फिल किया हुआ है, तो आपको जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि एनेक्सर ई और एफ में मिलता है उसे ले जाना होगा।
तो 4 आइडेंटिफाइड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जाने हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से आपको ले जाना होगा, जो कि असिस्टेंट सर्जन की रैंक से ऊपर होना चाहिए, जो कि आप सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल के अनुक्सर एच में भरवा कर ले जाना होगा। यहाँ पर आपको अपना एक आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड को ले जाना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जो है अल्टीमेट वैलिड डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। किसी भी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डेट और टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता। जो आपको मेल आ गया है वह जो है पूर्णतया फिक्स है, मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारी थी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने के लिए कम से कम 2 और 1 or 2 days का जो है टॉलरेंस लेके चलना है, आपको 2 दिन भी लग सकता है ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगर लिए अगर आप जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा। आप अगर देखिए सितंबर में बहुत सारे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। बेसिकतया उनकी मेल में जो लिस्ट आई हुई है उसमें सारी लिस्ट अटैच्ड है, बट जो बेसिक जानकारी है वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप के लिए या अदर डिवीज़न की अप्रेंटिसशिप के लिए, उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उन्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा कि उन्हें किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट ले जाना होगा जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है, अगर उन्हें बुलाया जाता है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर अपडेट्स हम आपको देते हैं। आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।